एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन द्वारा जिला कांगड़ा में नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत थाना डमटाल के अंतर्गत आते नशे के गढ़ छन्नी वैली में डीएसपी नूरपुर डॉक्टर साहिल अरोड़ा ने 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों सहित सुबह 5 बजे दबिश दी, जिससे नशा कारोबारियों में हड़कंप मच गया। एसपी कांगड़ा विमुक्त रंजन द्वारा जिला कांगड़ा में नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत थाना डमटाल के अंतर्गत आते नशे के गढ़ छन्नी बेली में डीएसपी नूरपुर डॉक्टर साहिल अरोड़ा ने 100 से ज्यादा पुलिस कर्मियों सहित सुबह 5 बजे दबिश दी, जिससे नशा कारोबारियों में हड़कंप मच गया। वहीं पुलिस द्वारा हर एक घर की तलाशी ली गई, जिसमें 6 जलती लाहन की बटियां जब्त की गई, हजार हजार लीटर के 80 के करीब कच्ची शराब की ड्रम नष्ट किए, 125 लीटर तैयार शराब जब्त की, वही 8 मोटरसाइकिल भी जब्त किए गए। 6 लोगों पर आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। ज्ञात रहे कि गांव छन्नी बेली पहले कई राज्यों में लाहन के लिए मशहूर था, किंतु मोटे मुनाफे के चलते यहां के अधिकतर लाहन बेचने वाले हीरोइन का काम करने लग पड़े, अतः कई नौजवानों की जिंदगियां छीन चुके हैं। पुलिस द्वारा आए दिन यहां कार्रवाई की जाती है, किंतु ये नशा तस्कर बाज नहीं आते। वहीं जब घर के मर्द जेल चले जाते हैं तो इनकी महिलाएं ये कारोबार करने लगती हैं। यहां तक कि अब तो इनके नाबालिग बच्चे भी इस काम को अंजाम दे रहे हैं। वहीं इस मौके पर डीएसपी डॉक्टर शाहिल अरोड़ा ने कहा कि नशा कारोबारियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा, ये लोग या तो नशा कारोबार बंद कर दे अन्यथा जेल जाने के लिए तैयार रहे। उन्होंने आम लोगों से भी अपील की है कि अगर कोई नशा बेचता हुआ पाया जाता है तो वह इसकी जानकारी नजदीकी थाना में दें या सीधे तौर पर मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। सूचना देने वाले का नाम व पहचान गुप्त रखी जाएगी। इस मौके पर थाना प्रभारी इंदौरा सुरेंद्र दीवान, थाना प्रभारी नूरपुर भाटिया सहित डमटाल नूरपुर इंदौरा की पुलिस मौजूद रही। ऐसा जो आपने ये रेड डरीज के बारे में कहेंगे, देखिए आज सुबह कोई 5:30 बजे हमारी तरफ पुलिस टीम आई हुई थी और तकरीबन पुलिस के 100 जवानों ने मिलकर छन्नी वैली में आज हमने रेड डाली है। रेड के दौरान कोई दर्जनों घरों में हमने दबिश की, कईयों की चेकिंग करेगी, कई भाइयों के बहनों की चेकिंग करेगी। तकरीबन 6 हमने चलती भट्टियाँ पकड़ी हैं, जिनको एक्साइज एक्ट के अंदर FIR दर्ज की जा रही है। काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमने लान भी पकड़ी है, तकरीबन 80 ड्रम जो कि यहाँ 1000-1000 लीटर के 70-80 हज़ार लीटर हमने लान जो है उसको बाहर लिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है। अभी बाकी जो है बाकी डिटेल मैं आपको बात करूँगा।